नाथ नगरी बरेली में सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेले की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। उत्तरायणी जन कल्याण समिति के पदाधिकारी भी अपने कार्य क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। उत्तरायणी मेला 2023 को भव्य बनाने के लिए पहाड़ के लोग कमर कस चुके हैं। आपको बता दें कि यह उत्तरायणी मेले का 27वां संस्करण होगा। मेले की तैयारियों का नेतृत्व अध्यक्ष प्रमोद सिंह बिष्ट, महामंत्री दिनेश चंद्र पंत और कोषाध्यक्ष देवेंद्र मंडराल के नेतृत्व में हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति का पर्व हमारे पूरे हिंदू समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और हमारे उत्तराखंड में इसका विशेष महत्व है और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ मेले का आयोजन करते हैं। इस बार का मेला हमारा 27वां मेला है। दो बार कोरोना के कारण हम लोग मेले में की सेवाएँ नहीं दे पाए लोगों को और हमारे यहाँ जो है लगभग 150 स्टॉल हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर और सारे स्टॉल हमारी कोशिश ये रहती है कि इसमें उत्तराखंड के संस्कृति की ही चीज़ें हों, सामान उत्तराखंड का हो, चाहे दालें हों, चाहे वहाँ की जूस हैं, उसके अलावा वहाँ के बाँस का अचार है, बहुत चीज़ें हैं उत्तराखंड की जो देखने को यहाँ पर मिलती हैं, लोग यहाँ ख़रीदारी करते हैं। इस बार क्या विशेष रहेगा? विशेष हमारा ये सारी चीज़ें हैं और इसमें साथ में हमारा छोलिया नृत्य है जो हमारा विशेष आकर्षण केंद्र रहता है। हमारा रंग समाज है, एक पिथौरागढ़ के रहने वाले निवासी है, उनका भी नृत्य है और उसके अलावा सांस्कृतिक टीमें हमारी वो जो उत्तराखंड से आ रही हैं जगह जगह। आर्मी का बैंड भी हमारा विशेष है और जहाँ तक छोलिया नृत्य का शब्द देखिए, छल से निकला है, ये एक समय की बात है जबकि हमारे लोगों पे जब कभी बाहर आक्रमणकारियों ने हमला किया था तो उनको छल से मारा गया था, नृत्य के रूप में करते हुए गए थे वो लोग और तब छल से उनको मारा था, तब से उसका नाम छोलिया नृत्य पड़ा। रंग यात्रा 1:30 बजे से वो सुबह 10:30 बजे से हरी झंडी दिखाएंगे माननीय विधायक कैंट संजीव अग्रवाल जी, बरेडी वो अंबेडकर पार्क कोतवाली के सामने से हरी झंडी दिखाएंगे, वहाँ से चलते हुए हम लोग अयुखवा चौराहा होते हुए, चौकी चौराहे होते हुए, सरकड़ा चौराहे से होते हुए बरेडी क्लब में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार महामहिम राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। 13 जनवरी से बरेली क्लब मैदान मिनी उत्तराखंड में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर शंख नगाड़ों की आवाजों के साथ उत्तराखंड के लोकगीत छौलिया नृत्य नाथ नगरी के जन समूह को आनंदित करेंगी। 13 जनवरी की सुबह रंग यात्रा अनेकता में एकता का संदेश देते हुए कोतवाली के सामने से होकर गुजरेगी, जिसे अम्बेडकर पार्क से कैंट विधायक संजीव अग्रवाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं मेले का उद्घाटन 13 जनवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी करेंगे। इतना ही नहीं, मेले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी आने की संभावना है। तो वहीं बरेली के लगभग सभी दिग्गज हस्तियां सम्मिलित रहेंगी। बरेली से डेली इंसाइडर के लिए सुधाकर शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।